कैथल से कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने खबर तक से खास बातचीत की है। इस दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। आइए इस बुलेटिन में जाते जाते ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई युवा चेहरे ऐसे हैं जिनके चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई है। उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है आदित्य सुरजेवाला, जो चौधरी रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। इस वक्त आदित्य हमारे साथ मौजूद है। आदित्य जी, सबसे पहला तो यही सवाल है, आप महज 25 साल के हैं और आपके कंधों पर चौधरी शमशेर सुरजेवाला की राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपके पिता के साथ साथ उस जिम्मेदारी को अब आपको आगे ले जाना है, इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? जब से मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझे काफ़ी बार अपने राजनीतिक और सामाजिक प्रोग्रामों में लेके जाते थे और तब से वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं, मुझे लोगों के सामने नहीं डालते थे, बट वो चाहते थे कि मैं बैठ के उनकी बात सुन पाऊँ, देख पाऊँ लोगों से कैसे बात करते हैं, व्यवहार कैसे करना है, लोगों को समझा कैसे जाता है, उनके काम कैसे करे जाते हैं, उनको पूरा मान सम्मान कैसे दिया जाता है। मैं उनसे भी सीखा हूँ, मेरे पिताजी ने भी मुझे बहुत सिखाया है और मैं जानता हूँ जो प्रेम प्यार आशीर्वाद कैथल के हमारे सारे साथियों, नौजवान और बड़े बुजुर्गों का मिल रहा है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, ये कैथल का नाम एक बार फिर से रोशन करने का चुनाव है और हर कैथल वासी ऐसे ये चुनाव लड़ रहा है जैसे वो खुद का चुनाव हो। आदित्य, आप महज 25 साल के, लेकिन हम आपकी स्पीच सुन रहे थे, बिल्कुल एक परिपक्व नेता की तरह पूरा अपना भाषण दे रहे थे। अगर कैथल की बात करें, कैथल में किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है और ये सिर्फ कैथल नहीं, पूरे हरियाणा में है। हमारे इतने बच्चे, मेरे इतने साथी देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं यहाँ कोई कुछ हमारा भविष्य बचा नहीं। अपनी ज़मीन बेच के, माँ बाप की ज़मीन बेच के, घर गिरवी रख के, पैसे उधार पे लेके बाहर जा रहे हैं और वहाँ कोई ज़िंदगी आसान है नहीं उनकी। और मुद्दे कैथल में सबसे बड़ी मुद्दे है कि हाँ, एक गुंडा राज फिर आ गया है हमारे शहर में। फरौती के फ़ोन आते हैं, चोरी चकार, मर्डर, बलात्कार फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हमारे शहर में। अगर बात करें चौधरी रणदीप सुरजेवाला साहब जब 10 साल मंत्री थे और पिछले 10 साल की बात करें जब से बीजेपी सरकार है, कैथल कितना बदला है? मैं बहुत दुख से कहता हूँ कैथल बहुत ज़्यादा बदला है। हमारी सड़कें सारी टूट गई हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, मुझे डर लगता है एक्टिवा पूरी की पूरी अंदर नहीं धस जाए। छोटी सी बारिश पे गोड्डे गोड्डे तक पानी आ जाता है, बिजली कट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सीवेज की हमारे 4 ट्रीटमेंट प्लांट थे वो सारे के सारे इनने या तो ठप कर दिए है या बंद कर दिए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट चल नहीं रही, बैकफ्लो बहुत ज़्यादा मारता है, अवारा पशु की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है शहर में। ऐसा लगता है हम किसी जू में बैठे हुए हैं, लोग कम दिखते हैं, अवारा पशु ज़्यादा दिखते हैं, अनेक दिखते हैं। और ये सारी संभाली जा सकती है बट ये सरकार करती ही नहीं, ये काम करना ही नहीं चाहती है, काम का क भी नहीं जानती है भाजपा सरकार। आप विदेश में पढ़े हैं, आप अब राजनीति में आ चुके हैं, युवा हैं, महज 25 साल के हैं, सबसे युवा उम्मीदवार कह सकते हैं आपको प्रदेश का, तो क्या विजन आपका कैथल के लिए, इस इलाके के लिए है पूरे, अगर क्योंकि कैथल जिन इन जिलों की बात करें, आपके परिवार का बड़ा नाम है इन जिलों में। हमारा विजन हमेशा हमारे साथियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का है। गरीब आदमी, आम आदमी, SC BC साथी, किसान, मजदूर, सब कांग्रेस पार्टी और हमारे खून में चलते हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना है। ये रोजगार लाने से है, 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई, हमें वो सरकारी नौकरी भरने की ज़रूरत है क्योंकि एक नौकरी एक पूरा परिवार चला सकती है आम आदमी के लिए। दूसरी, प्राइवेट रोजगार लाने की ज़रूरत है हमें, स्टेट से फंडिंग, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, हम वो भी लाना चाहते हैं। कैथल में फैक्ट्री जहाँ खोल सकते हैं वो खोलेंगे, बट और ज़्यादा ज़रूरी, हमारे काफ़ी साथी, मेरे नौजवान साथी ने BA की है, MA की है, PhD भी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल्स है। हमारी एक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर सकती है कैथल में क्योंकि हम सब जानते हैं इतना काम कंप्यूटर पर होता है। तो अगर आप दिल्ली या गुड़गांव में बैठे हो या कैथल में बैठे हो, सिरसा में बैठे हो, काम वही करना है। हम अगर अपने साथियों को ये स्किल्स दे सकते हैं और बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, क्यों नहीं IBM, डेल, डेलॉयट, KPMG वाले हमारे साथी गुड़गांव में काम करने की जगह कैथल से काम कर रहे हो? बिल्कुल, देखिए, आप आदित्य सुरजेवाला को सुन रहे थे, महज 25 साल की उम्र है, सबसे युवा उम्मीदवार है, लेकिन जो इनकी तरफ से बातें कही जा रही है, क्योंकि चौधरी रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, शमशेर सुरजेवाला के पोते हैं, राजनीति इनको विरासत में मिली है और एक विजन लेकर अब लोगों के बीच आदित्य जा रहे हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक कैथल।